हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सब स्टार चैनल और आज हम सीखेंगे वैनिला कपकेक बनाना। ये कपकेक बनाना बहुत आसान है और बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत जल्दी बनता है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए और मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं वैनिला कपकेक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप मैदा, 1/2 कप ऑफ पाउडर शुगर और 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल है, ये कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप। दूध लिया है मैंने 1/2 कप, ये जैसा ज़रूरत रहेगी उतना हम यूज़ करेंगे इसको। और ये फ्रेश दही है, ये 4 टेबल स्पून के करीब है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है। और ये दूध पाउडर है, ये 2 छोटे चम्मच। और ये कप केक बनाने के लिए जो टीन आती है वो है ये, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा मैंने ये कुकर रखा है गैस पर, इसे हमें प्री हीट करने के लिए रखना है। इसमें हमें नीचे तली में नमक बिछाना है जो मैंने बिछा दिया है, और इसको गैस को अब ऑन करके इसका तेज फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए हमें बेक करना है। तेज फ्लेम पर ये हमें ढक्कन लगाना है इसका, और ध्यान रखें विसल नहीं लगाएंगे, रिंग लगी रहेगी। और इसको बंद कर दीजिए 5 मिनट तक तेज फ्लेम पर, और उसके बाद फ्लेम एकदम स्लो कर दीजिए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें छान लेंगे। पहले ये मैंने मैदा लिया है, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और ये मिल्क पाउडर। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए ये छन गया अच्छे से। और अब एक दूसरा बाउल लेंगे हम। आप ये मैंने एक अलग बाउल ले लिया है, इसमें मैं सबसे पहले तेल डालूंगी, ये 4 टेबल स्पून के करीब हमने जो तेल लिया है वो। उसके अलावा ये जो हमने दही लिया हुआ है, फ्रेश दही है ये ले लेंगे हम, और इसको एक बार बीट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये मिक्स हो गया है अच्छे से। और अब इसमें मैं ये पाउडर शुगर जो हमने ली थी वो डालेंगे हम इसमें। इसे फिर से बीट कर लीजिए एक बार। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। और अब हम इसमें ये जो हमने हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छाने हैं वो डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। एक बार फिर से बीट करिए। और अब जो है मैं इसमें वैनिला एसेंस डाल रही हूँ, ये वैनिला एसेंस डाल दिया मैंने 1/2 छोटे चम्मच के करीब। और अब जो ये हमारा बाकी का बचा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो डालकर हम इसे बीट कर लें। और ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ, पहले एक साथ नहीं डालेंगे, पहले 1 बड़ा चम्मच मिल्क डालकर फिर बीट। ये देखिए हमारा अच्छा बैटर तैयार हो गया है। 1 टेबल स्पून के करीब ही हमें मिल्क लगा है, इसके अलावा हमें मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब जो है ये देखिए मैंने मेरे ये कपकेक टिन जो थे मैंने इसमें ग्रीसिंग कर ली है, ऑयल लगा लिया है, और अब मैं इसे एक बार और अच्छे से बीट कर लूँगी। ये अब मैं इसमें स्पून की सहायता से इसमें ऐसे बैटर डालेंगे हम। इसको सभी को फिल कर दीजिए। ये देखिए रेडी हो गया है। और एक इस टाइप की प्लेट पहले मुझे कुकर के तले में लगानी है, ये मैंने लगा दी है। इसके बाद ये देखिए उस प्लेट पे मैंने एक दूसरी प्लेट रखी है, और उसके बाद ये जो मैंने कपकेक रेडी किए हैं इसे मैं ऐसे जमा दूंगी अच्छे से। केयरफुल होकर ही रखें क्योंकि हाथ पर गर्म लग सकता है। ये इस तरह से मैं पूरे जमा,
ये देखिए मैंने मेरी पूरी कपकेक्स इसमें रख दिए हैं और अब मैं इसका ढक्कन लगाने वाली हूँ और इस पे सीटी नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अब इसको हम एक बार 20 मिनट बाद कुकर खोल कर देखेंगे और फ्लेम जो है वो स्लो ही रहेगी, हाई पर नहीं करेंगे हम। 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे खोल कर चेक कर लेती हूँ एक बार। देखिए स्पंज बहुत अच्छा है इसमें, एक बार ये नाइफ यू डीप करके देख लीजिए, ये नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब हमारे कपकेक रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इन्हें बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमने कुकर में से निकाल लिए हैं कपकेक और अभी ठंडे हो जाए उसके बाद हम इसको अनमोल्ड करके फिर इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, ये मैंने निकाल लिए आधे और अभी इसकी देखिए आप मेथड, इसको थोड़ा सा यूं पुश करना पड़ता है एकदम हल्के से, बहुत जोर से करेंगे तो हम वो टूट सकता है। इसको चारों तरफ से यूं घुमा के ये देखिए ये इजीली निकल जाता है ये, और ये बहुत अच्छा बना है हमारा कपकेक, स्पंजी बना है। तो ये बाकी के भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए। ये देखिए पूरे निकाल लिए मैंने और अब हम इसको इसकी हल्की सी गार्निशिंग करेंगे। ये मैंने आइसिंग क्रीम ली है, ये तो मैंने घर पे बनाई है, वैसे रेडीमेड भी मिलती है लेकिन आप इसकी रेसिपी जल्द ही मेरे चैनल पर देखेंगे। तो आइए अब हम इसको थोड़ा गार्निश कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, ये इस पर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही डिजाइन बने। और गार्निशिंग करने से पहले ध्यान रखें कि ये ठंडा जरूर हो। और इसके बाद ये मैं एक इस पर किशमिश रख रही हूं इस तरह से, चलो। अब ये देखिए ये हो गया है और इस चीज का ध्यान रखें कि ये आइसिंग से पहले केक एकदम ठंडा हो, अदरवाइज ये आइसिंग जो है हमारी पिघलने लगती है और घी बाहर आने लगता है उसमें से। तो ये देखिए ये हमारे कपकेक रेडी हैं, वैनिला कपकेक। इसे आप टी टाइम में एंजॉय करिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे ये और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।